रुक करेंगे बीकानेर का, जहां पर एनएसयूआई का 52वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री यहां मौजूद है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे इंचार्ज, तमाम सम्मानित मंच और एनएसयूआई के हमारे स्टेट के नेशनल के पदाधिकारी और आप सब युवा साथी जो आज स्थापना दिवस के ऊपर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं भी एनएसयूआई से निकल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं 81 में जब सीकर कॉलेज में आया था तब मैंने एनएसयूआई ज्वाइन की और आपको शायद ध्यान में नहीं होगा लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपने एक सम्मेलन किया था जोधपुर में, वहां पर हम लोग गए थे और आपने हलवा पूड़ी हमको खिलाया था। आप उस वक्त स्पोर्ट्स शूज पहनते थे, मेरे जैसे ध्यान में है, अब नहीं पहनते, पहले पहनते थे। तो उस वक्त एनएसयूआई का एक अलग क्रेज होता था। आपने एक नाम एनएसयूआई को इस प्रकार से दिया कि युवा साथी हमारे जैसे जो जिलों में बैठे रहते थे वो सोचते थे कि काश मैं एनएसयूआई ज्वाइन कर लूं और मैं राजनीति में आगे अपना नाम रोशन करूं। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त से लेकर के हम एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से लेकर के आज जिस मुकाम के ऊपर काम करने का आप सबने, कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने मौका दिया है, ये जो चेहरे दिख रहे हैं उनमें भी वो तेज इनके चेहरों में दिख रहा है, इनकी आंखों में चमक दिख रही है कि हम कुछ करके दिखाएंगे। और अभिषेक चौधरी ने पुनः एक बार वो याद दिलाई है जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं यूं ही बड़ाई नहीं करता, मेरे से किसी की बड़ाई के लिए शब्द ज्यादा निकलते नहीं है, कंजूस है हूं, लेकिन ये अभिषेक चौधरी जब से आया एक नई जान एनएसयूआई में आई है, इसको कोई दो राय नहीं। पता नहीं क्योंकि आपके समय से ऐसा है इसलिए ये जोधपुर जोन में ही एनएसयूआई का ऐसा शानदार अध्यक्ष कैसे होता है ये मुझे पता है। क्योंकि आप देखिए जोधपुर जोन से आप और फिर जोधपुर संभाग से ही हमारे अभिषेक चौधरी और उसके बाद में एक से बढ़कर के एक कार्यक्रम एनएसयूआई के द्वारा किए गए हैं। मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी भी पार्टी के लिए स्थापना दिवस जो होता है वो उस संगठन के लिए, उस पार्टी के लिए एक संकल्प लेने का दिवस होता है। आज हमारे सामने जो देश में चुनौतियां हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम चल रहा है, महंगाई डाइन सबको खाने के लिए दौड़ रही है, बेरोजगार रोजगार के लिए तड़प रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, देश में एक तरीके से अराजकता का, आपसी जो मनमुटाव का जो भाव है वो चरम के ऊपर है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को शक की दृष्टि से देखने लग गया है। जो बाबा साहब ने संविधान दिया था उसको खत्म करने के लिए एक कुचेष्टाएं चल रही हैं। मैं समझता हूं ऐसे अवसर के ऊपर हमारे देश के नौजवान युवा, जो आप सब बैठे हो एनएसयूआई के लोग, बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे, आपका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे समय से वापिस देश को ठीक करने के लिए। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के इस देश के जो वातावरण जो बिगड़ चुका है, एक तरीके से केवल धर्म के आधार के ऊपर झगड़े कराने की बातें होती हैं, कभी भी जो वादे इन्होंने किए थे उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। मोदी जी, देश के अंदर कैसे लोगों को अच्छा खाना मिले, कच्चे कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिले, कैसे उनको प्रगति के लिए अच्छी पढ़ाई मिले, कैसे नौकरियां मिले, इस विषय के ऊपर बात नहीं होगी। हिंदुस्तान पे होगी, पाकिस्तान पे होगी, धर्म पे होगी,
80 बनाम 20 पे होगी और एक तरीके से पूरा का पूरा माहौल देश का खराब करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का षड्यंत्र ये चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये युवा आप जो शब्द काम में लेते हो, इस रगड़ाई के लिए तैयार है, रगड़ाई के लिए तैयार है, इनको मौका चाहिए। और आज आपने साबित कर दिया कि NSUI हमारी प्रायोरिटी में है, चाहे मुख्यमंत्री बन गए चाहे प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हमारी प्राथमिकता में NSUI है। हमको इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनको काम देना पड़ेगा। अगर हम इन युवाओं को काम नहीं देंगे और केवल अपने भाई भतीजेवाद में फंसे रहेंगे तो आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है, अब युवा समझ गया मुख्यमंत्री जी, ये समझ चुका है कि मोदी किस प्रकार की चाल चल रहा है। और इसीलिए ये जो जोश आप युवाओं में देख रहे हो, जहां भी हम लोग जाते हैं वहां पर कांग्रेस के प्रति राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवा वापस उठ खड़ा हुआ है और वो ये कह रहा है कि हम तैयार हैं राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी को पुनः 2023 में यहां सत्ता में लाने के लिए और 2024 में मोदी सरकार का सूपड़ा साफ करने के लिए। मैं आपको ये इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी और हम सब NSUI से हैं, डूडी साहब भी NSUI से निकले हैं, NSUI अच्छा काम कर रही है। आपको देख करके मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी मैन कांग्रेस में भी एक तरीके से नए संकल्प के साथ में हमारे सब लोग काम करेंगे। और हमारे पास में कहने के लिए बहुत कुछ है भाई, राजस्थान में बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास में। कांग्रेस का हमारा इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास बताने के लिए हमारे पास में इतनी सामग्री, इतना त्याग, तपस्या, बलिदान का हमारा इतिहास है। इन भाजपा वालों के पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो भाई को भाई से लड़ाना जानते, झूठ बोलना जानते। और आपने देखा कल, मैं कहना चाहूंगा कि गजेंद्र सिंह जी ने इस राजस्थान की धरती पे आकर के राजस्थान के लोगों के वोट लेकर के जीतने वाला व्यक्ति सरासर झूठ बोल करके राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय करके गया है, उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है ईस्टर्न कैनाल को हम इस तरीके से इतने लाख हेक्टर ये होगा, इनका कल्याण हो जाएगा और ये 13 या 11 जिलों में ये पानी की व्यवस्था हो जाएगी, और 2.5 मिनट बोला अजमेर में, और हमारा मंत्री यहाँ के वोट लेकर के 25 में से 25 गए, उनमें से जल संसाधन कैबिनेट मंत्री बने। वो अगर ये कहते हैं कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री ने अगर मोदी जी ने एक शब्द भी बोला हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीति से संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग कभी सच बोलते भी नहीं हो, लेकिन ये युवा जग गए, आप राजस्थान प्रदेश के लोग जान गए आपकी सही सच्चाई, इसलिए आपको 2024 में विदा करने के लिए कमर कस ली है हमारे लोगों। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, इनका तो जाना तय है, लेकिन एक धक्का जरा जोर से अगर हम लगा देंगे तो राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 में हम पुनः UPA सरकार बनाएंगे और इन झूठों से हमारा छुटकारा होगा। ये कहने के लिए मैं आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूं, इसलिए आप सब लोगों से इतना ही आग्रह है कि आप सब लोग कंधे से कंधा मिला करके आइए, आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ में हैं। और राहुल जी का एक मिशन है कि हमारे देश का युवा आगे आए, वो कमान संभाले और देश का नेतृत्व करे, उसी दिशा में चलते हुए हम सब लोग आपको कंधे से कंधा मिला करके एक छोटे भाई को साथ लेकर के राजस्थान में जब इतनी शानदार योजनाएं, आप बताइए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, 10 लाख तक सबका इलाज फ्री है, आप देखिए इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, हमारे 1 लाख रुपए लगते थे, आज कल्ला साहब शिक्षा मंत्री बैठे हैं, आप देखिए गांव गांव में, ढाणी ढाणी में यहां पर डिमांड होने लग गई है शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से कि इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोलिए, हम हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। जमाना बदल रहा है, अच्छी योजनाएं कृषि के लिए, एक तरफ तो 15 महीने तक खून के आंसू रुलाए उन्होंने मोदी जी ने, और एक तरफ हमारा मुख्यमंत्री, हमारी सरकार जिसने किसान का बजट भी दुगुना किया और अलग से कृषि का बजट पेश करने का काम किया, हमारे और उनके क्रियाक्रम, नीतियां,
कार्यक्रम सब में फर्क है। हमारी सोच एक अलग है कि सबको साथ लेकर के 3600 कौमों को साथ लेकर के हम आगे बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी की केवल सोच है तो भाई को भाई से लड़ा करके धर्म के आधार के ऊपर बांट करके हम कैसे सत्ता में काबिज रहे। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए युवा साथियों की बहुत आवश्यकता है, और आपने कमर कस ली, इसलिए अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में मैं इतना कहना चाहता हूं, उठ खड़े हुए तैयार हो जाइए, आने वाला कल आपका है। इसलिए आप में से कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, हम और कल्ला जी और भाटी जी और गोविंद राम जी मेघवाल 100 साल नहीं रहने, आपका भविष्य है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।